हेलो फ्रेंड्स, पावर प्लांट इंजीनियरिंग के इस नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी पहले की क्लासेस थी, उसमें मैंने जो बताया था थर्मल पावर प्लांट के बारे में। इसके पहले की क्लासेस में ये जो दूसरा चैप्टर है थर्मल पावर प्लांट, ये पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, लेकिन एक बार संक्षिप्त रूप से मैं इसको आपको रिवीजन करवाऊंगा। तो चलिए अच्छी क्लास स्टार्ट करते हैं। नाउ स्क्रीन पे आपको एक फिगर दिख पा रहा होगा, जैसा कि थर्मल पावर प्लांट के अंतर्गत जो और बिजली बनाई जाती है वो एज ए फ्यूल को इस्तेमाल करके और बॉयलर के द्वारा उस हीट की सहायता से स्टीम जनरेट की जाती है। अगर साधारण भाषा में ये समझें तो इस फिगर में लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कोल दिख रहा है, तो ये जो कोल है छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया गया है, यानी कि जो कोयले पे प्रोसेसिंग की जाती है वो कर ली गई है। अब कोयले को तैयार करने के लिए भी उसके अंतर्गत बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे कोयले को छोटे छोटे भागों में तोड़ना या उनके अंदर जो नमी होती है उनको सुखाना, और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक बार कोयले को। तो कोयले को किस तरह से उस पर क्रियाएं की जाती हैं या उसमें क्या क्या होता है। कोल जो आप देख पा रहे होंगे, ये पावर प्लांट के जो बॉयलर के अंदर जो फर्नेस होती है उसके पास ये रखा है। तो डायरेक्टली ये खदानों से यहाँ पर नहीं लाया जाता है। मान लिया कि आपने कोल की प्राप्ति खदानों से कर ली, उसके बाद रेल, ट्रक या नाव के द्वारा आप पावर प्लांट के पास तक लाएंगे और उसके बाद उसको उतारेंगे। फिर उतारने के लिए भी लिफ्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, या क्रेन का भी कहें तो इस्तेमाल किया जा सकता है। उतारने के बाद इसको तैयार किया जाता है। उतारने के बाद कोयले को तैयार किया जाता है, जिसके अंतर्गत इसकी क्रशिंग की जाती है और इसको आकार दिया जाता है, यानी छोटे छोटे भागों में तोड़ लिया जाता है, और उसके बाद इसको सुखाया जाता है और मैग्नेटिक सेपरेटर प्रोसेस की जाती है। यहाँ पे आकार देने का मतलब ये है कि उस कोयले के टुकड़ों को, जो कि एक समान आकार का नहीं होता है, जैसा कि हम जानते हैं अगर आप खदानों से कोयले को प्राप्त करेंगे तो वो साइज अलग अलग होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा। छोटा होगा तो ठीक है, बेटर है, लेकिन वो जो टुकड़े होते हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उनको आकार दिया जाता है छोटा छोटा। और उसके बाद उस कोयले में नमी भी होती है और उन नमी को सुखा दिया जाता है। सुखाने के बाद जाहिर सी बात है कि जो कोयला होता है, कोयले के अंदर कुछ मेटल के भी पार्टिकल होते हैं, उन मेटल पार्टिकल को अलग करने के लिए एक मैग्नेटिक सेपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि
उस कोयले में जो भी मेटल के कण होते हैं वो मैग्नेटिक सेपरेटर के द्वारा निकल जाते हैं। फिर उसके बाद कोयले को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे कोल है उसके बाद एक रैक टाइप का बना हुआ है। तो वो जो रैक है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बेल्ट कन्वेयर है वो, ठीक है, जो कि मूव करता रहता है, यानी कि बेल्ट की रोलर के माध्यम से बेल्ट जो है वो मूव करता है। पहले तो हम ये बता देते हैं कि जो आपका ट्रांसफ़र का प्रोसेस है ये कौन कौन सा हो सकता है। पहला बेल्ट कन्वेयर, दूसरा है बकेट एलिवेटर, तीसरा स्क्रैपर कन्वेयर, स्क्रू कन्वेयर, स्लिप्ड हाइस्ट, ग्रैब बकेट कन्वेयर। ये जो सारे प्रोसेसेस मैंने आपको बताया या फिर कुछ नाम मैंने आपको जो बताए, ये कोयले के ट्रांसफ़र के लिए सहायक होते हैं, या फिर कोयले को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के काम में आते हैं। इन सब जितने भी मैंने कन्वेयर्स वगैरह का, ये एलिवेटर का मैंने नाम आपको बताया, या कोयले पे जो प्रोसेसिंग की जाती है, इन सबको मैंने विस्तार पूर्वक प्रीवियस की क्लासेस में बताया हुआ है और समझाया हुआ है। अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप जो पहले की क्लासेस हैं उसको आप एक बार देख सकते हैं। आज की क्लास जो है सिर्फ इसीलिए उन सब चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है कि जो कि पहले को बता दिया गया है, और एक बार संक्षिप्त रूप से अगर आपको बता दिया जाएगा तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और ये जो आपका कोल होता है, यानी कि जो कोयला, पहले हम कोयले की बात ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोयला एज ए फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, और थर्मल पावर प्लांट यानी कि कोल बेस्ड जो थर्मल पावर प्लांट होता है इस पे जो कोयला होता है ये बहुत मुख्य भूमिका निभाता है, या ये कहें कि बिना कोयले के आपका जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है ये वर्क नहीं कर सकता है। तो कोयले को रखने के लिए भी आपके दो जगह निर्धारित किए जाते हैं, यानी कि जो स्टोरेज स्थल है ये भी बनाए जाते हैं, अलग अलग बनाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है लाइव स्टोरेज और दूसरा होता है डेड स्टोरेज। इस टाइम पे जो आपको कोल दिख रहा है अगर बात की जाए तो ये किस स्टोरेज के अंतर्गत आएगा, तो ये लाइव स्टोरेज के अंतर्गत आएगा। क्यों? क्योंकि लाइव स्टोरेज वह स्टोरेज होता है जो कि बॉयलर के पास में होता है और उसकी कैपेसिटी कम होती है। लेकिन अगर बात की जाए डेड स्टोरेज की, तो डेड स्टोरेज ऐसा स्टोरेज होता है या कोयले का ऐसा भंडारण स्वरूप होता है जो कि प्लांट से कुछ दूरी पर स्थित होता है, और इसकी जो क्षमता होती है वो अत्यधिक होती है, यानी कि कई महीनों तक उसका यूज करके आप पावर प्लांट को चला सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कोयले की। फिर ये कोयला आपका फर्नेस में आता है जो कि आपको कुछ जलता हुआ दिख रहा होगा, कोयला वहाँ पे आता है, उसके बाद उसको चला दिया जाता है। अब ये कोयला जलता कहाँ है? ये कोयला आपका फर्नेस में जलता है, जिसको आप हिंदी में भट्टी बोलते हैं, और ये जो भट्टी होती है ये भी दो प्रकार की होती है। पहला आपका
इंटरनल फर्नेस और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल फर्नेस। इंटरनल फर्नेस का मतलब ये होता है कि जब फर्नेस बॉयलर में ही होता है या बॉयलर के अंदर ही स्थित होता है तो वो इंटरनल फर्नेस के अंतर्गत आता है, और अगर बॉयलर के बाहर जो है आपका फर्नेस स्थित रहता है तो उसे एक्सटर्नल फर्नेस बोला जाता है। फर्नेस में कोयले को जला दिया गया, फिर कोयला चल जाता है और हीट उत्पादित करता है या हीट उत्पन्न करता है। उसके बाद ये हीट बॉयलर में प्रवेश करती है, यानी कि जो हीट है वो फ्लू गैसेस के माध्यम से बॉयलर में प्रवेश करती है। अब बॉयलर में आप नली देख पा रहे होंगे, ट्यूब देख पा रहे होंगे जो कि बैंड टाइप का है, नीचे से ऊपर की तरफ आया फिर ऊपर से नीचे की तरफ आया है, इस तरह से दिख रहा होगा। तो ये ट्यूब है जिसके अंदर वाटर भरी होती है। ये वाटर को रिवर तालाब से लिया जाता है, जो कि ठंडे वाटर पहले रहते हैं और बाद में इनको एक इक्विपमेंट की सहायता से थोड़ा हीट अप करके फिर बॉयलर में भेजा जाता है, और उस संयंत्र को बॉयलर एसेसरीज बोला जाता है। आगे मैं उसको भी संक्षिप्त रूप से बताऊंगा कि कौन कौन से एसेसरीज होते हैं, और उसको मैंने पहले की क्लासेस में बताया हुआ है या अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, लेकिन एक बार और मैं उसको बताने की कोशिश करूँगा। तो इस बॉयलर में जो ट्यूब होती है उनके अंदर जो वाटर होता है वो पहले से कुछ हीटअप होता है, और उसके बाद इन फ्लू गैसों के माध्यम या यूँ कहें कि इस टेम्परेचर के माध्यम से वो गर्म होती हैं, और गर्म होने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि जो नली है जब लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर की तरफ गई है तो वहाँ पे वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। जाहिर सी बात है वाटर जब स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है तो उसका जो प्रेशर होता है वो अत्यधिक होता है। आप अपने घरों में देखते होंगे कि जो वाटर होता है, यानी कि जब आप कुकर होता है या कोई ऐसा बर्तन जिसको आप ऊपर से ढक सकते हैं, अगर आप उसमें पानी रख के और नीचे से आप अपने गैस स्टोव को जलाते हैं तो जो वाटर होता है वो जब वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जब भाप में कन्वर्ट होने लगता है, तो अगर आपका बर्तन रहता है नॉर्मल बर्तन, अगर आप उसको ढके रहते हैं तो वो उस खोलने की कोशिश करता है और उसको खोल भी सकता है क्योंकि वहाँ पे उसका प्रेशर अत्यधिक होता है। इसी तरह जो आपका कुकर होता है ये ऊपर में जो सीटी लगी होती है उसको क्या करता है, ये अप कर देता है और बाहर निकल जाता है। तो वहाँ से भी हम ये समझ सकते हैं कि जो का स्टीम यानी कि भाप होती है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, और इस प्रेशर को फिर आगे प्रवाहित किया जाता है, यानी कि जो आपकी टरबाइन होती है टरबाइन में भेज दिया जाता है। और टरबाइन आप लोग जानते ही हैं कि टरबाइन में ब्लेड लगी होती हैं, और ये ब्लेड उस स्टीम के प्रवाह से या यूं कहें कि स्टीम के दबाव से मूव करने लगती हैं, और जब ये टरबाइन की ब्लेड मूव करती हैं तो ये टरबाइन की ब्लेड एक शाफ्ट से जुड़ी होने के कारण ये शाफ्ट भी मूव करता है। टरबाइन का जो मेन वर्क होता है ये यहाँ पे प्रेशर एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ये क्या कर रहा है, प्रेशर को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। और फिर जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी होती है, इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके लिए
इलेक्ट्रिक जनरेटर की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आपको टरबाइन के जस्ट बगल में ही दिख रहा होगा, और उसका नाम नीचे लिखा हुआ है जनरेटर, उसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, और उसके बाद ट्रांसफार्मर वगैरह के माध्यम से आपकी घरों में बिजली आ जाती है। लेकिन नीचे की जो कड़ी दिख रही है, यानी कि वाटर जो दिख रहा है, उसको मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूँगा कि ये जो वाटर है इसका क्या है, मतलब है। और एक कंडेंसर भी है जो कि छूट गया है। ये जो स्टीम होती है, जब इनका कार्य ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब ये टरबाइन को मूव करवा देती हैं, तो इनका कार्य वहाँ पे एक तरह से ये कहें कि डन हो जाता है, और फिर ये कंडेंसर में आते हुए ये वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और फिर ये वाटर को रिवर में प्रवाहित कर दिया जाता है, और फिर रिवर से एक ठंडे वाटर को उठाया जाता है, या फिर वहाँ से सप्लाई ली जाती है। अब ये तो आपकी बात हो गई एक थर्मल पावर प्लांट की। अब इसमें फ्लू गैसों का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि जो बॉयलर एसेसरीज होते हैं, ये टोटली जो हीट का उपयोग करते हैं, ये फ्लू गैसों से ही करते हैं। तो और ऊपर आप देख पा रहे होंगे चिमनी भी है, जो कि फ्लू गैसेस को बाद में ऊपर की तरफ प्रवाहित करती हैं। अब एक और फिगर देख पा रहा हो, अगर पहले फिगर से आपको बेहतर तरीके से ना समझ में आया हो, तो इस फिगर से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। सेम वही फिगर है, लेकिन थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इस फिगर को बनाया गया है या दर्शाया गया है। इसमें हर एक स्टेप को अच्छे ढंग से बताया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार और समझाएंगे, कोल को आप फर्नेस में भेजते हुए उसको जलाते हैं, और बॉयलर को दिखाया गया है, जिसमें बॉयलर में स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, फिर वो टरबाइन में प्रवेश कर रहा है, उसके बाद जनरेटर, और उसके बाद आगे ट्रांसफार्मर, और इलेक्ट्रिक जनरेट होके आगे चली जाती है। उसके नीचे कंडेंसर, कंडेंसर में जो आपकी स्टीम होती है वो आ जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, और वार्म वाटर को आप कूलिंग टावर में भेज देते हैं, और वहाँ से फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, और कूलिंग टावर जो कि वाटर को कूल्ड करने का काम करता है, ये पहले वाले फिगर में नहीं था। और जो बॉयलर होता है उसके अंदर जो आपकी फर्नेस होती है, उस फर्नेस में एक जाली लगा होता है, और जाली के ऊपर ही कोयले को रखा जाता है, उसके बाद जब कोयला जल जाता है तो ऐस बन के नीचे की तरफ आ जाता है। अब जो आपका नेक्स्ट फिगर दिख रहा है इस नेक्स्ट स्लाइड पे, ये है आपका जो बॉयलर है उसके अंदर जो एसेसरीज लगे होते हैं, इनको दिखाया गया है। बॉयलर में जब आपकी कोयला जलेगा तो ऐस निकलेगा, ऐस को नीचे की तरफ दिखाया गया है, उसके बाद स्टीम में कन्वर्ट होगा, के आगे सुपर हीटर है। पहले बात करें कि वाटर को, यानी कि फीड वाटर को,
इकोनोमाइजर में सबसे पहले भेजा जाता है, और इकोनोमाइजर एक ऐसा संयंत्र होता है जो कि फीड वाटर को पहले गर्म करने का काम करते हैं, यानी कि कुछ टेम्परेचर उसको दे देता है जिसकी वजह से वो पहले ही गर्म हो जाता है और उसको स्टीम में परिवर्तित होने के लिए ज़्यादा तापमान की आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती। तो वैसे तापमान की आवश्यकता तो होती ही है स्टीम में कन्वर्ट होने के लिए, लेकिन अगर उस वाटर को आप पहले थोड़ा सा गर्म कर दे रहे हैं तो बाद में उतना गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वो आसानी से स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस थोड़े से गर्म वाटर को बॉयलर में भेजा जाता है, और बॉयलर में जो आपकी स्टीम होती है स्टीम बन के आगे की तरफ प्रवाहित हो जाती है। और जब आप इस फर्नेस में कोल को जलाते हैं या जलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, और इस वायु की आपूर्ति के लिए आपको फैंस लगाने पड़ेंगे। और अगर ये जो एयर रहते हैं अगर आप डायरेक्टली इनको एटमॉस्फियर से ही भेज देंगे तो एटमॉस्फियर में हमेशा एक जैसा एयर मिलना मुश्किल है। जैसे कि आप ये समझे कि आपको ठंडा एयर हमेशा मिलेगा या गर्म एयर हमेशा मिलेगा, तो ये जो है सुनिश्चित कर पाना असंभव है क्योंकि एटमॉस्फियर जो है हमेशा बदलता रहता है। तो अगर गर्म वायु रहेगी तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो जो कोल्ड जो है आसानी से चल जाएगा, लेकिन अगर जो आपकी वायु रहेगी अगर वो ठंडी रहेगी तो आसानी से जो आपका कोयला है वो जल नहीं पाएगा और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए यानी कि वायु को गर्म करने के लिए एक एसेसरीज का इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप एयर प्री हीटर बोलते हैं, और एयर प्री हीटर के माध्यम से जो वायु फर्नेस में प्रवेश करती है इनको पहले ही गर्म करके फिर फर्नेस में भेजा जाता है। ये तो बात हो गई आपके एयर प्री हीटर की। अब बात आती है फीड वाटर पंप। फीड वाटर पंप क्या करता है, जो वाटर आपको फीड करना होता है यानी कि इकोनोमाइजर में जो भेजना होता है उसको ये फीड करता है और इकोनोमाइजर में भेजता है। उसके बाद अंततः जो आपकी लास्ट में गैसेस वगैरह बचती हैं तो उन यानी कि जिसको फ्लू गैस आप बोलते हैं, तो उन फ्लू गैसों में आपके कुछ राख के भी कण होंगे, राख के धूल के कण होंगे, तो उन राख के या धूल के कणों को अलग कर लिया जाता है, और फिर अलग करने के बाद जो गैसेस होती है उनको चिमनी के रास्ते अलग किया जाता है, यानी कि वातावरण में प्रवाहित कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। आपके सामने एक और फिगर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये अलग अलग फिगर का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इन फिगर के माध्यम से आपको बेहतर तरीके से समझ में आए, क्योंकि जो पहले इसकी क्लासेस में आपको मैंने जो बताया है या समझाया है उसमें अधिकतर थ्योरी कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। अब थ्योरी कंटेंट को तो मैंने आपको बता दिया समझा दिया, तो अगर आप फिगर के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझते हैं तो बेहतर तरीके से समझ में आता है, और जिसकी वजह से आपको ये जल्दी भूलेगा नहीं, थ्योरी कंटेंट आपको जल्दी से जल्दी भूल जाएगा, लेकिन अगर आप फिगर आपको एक बार अगर ध्यान में आ गया तो ये ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और अच्छे तरीके से याद रहेगा। तो इस वजह से
अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। पहला क्वेश्चन कि कोल स्टोरेज कितने प्रकार की होते हैं, ये हो गया, इनको विस्तार पूर्वक बताइए। इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और कोल पेस्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि जो आपका यहाँ थर्मल पावर प्लांट इस्तेमाल लाया जाता है भारत में, ये कोल पेस्ट ही होता है, जिसकी वजह से कोल पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं ये भी ज़्यादातर बनते हैं। जैसे कि कोयले के स्थानांतरण में कौन कौन सी विधियों का प्रयोग किया जाता है, या कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करने के लिए विभिन्न प्रकार की मिल्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, उनको बताइए या उनको समझाइए। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। बॉयलर का वर्गीकरण कीजिए, ये क्वेश्चन बन सकता है, या जो बॉयलर एसेसरीज का यूज किया जाता है इनको बताइए, या इनको फिगर सहित दर्शाइए। अब ये जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताए, इनके अंतर्गत जो लाइन डायग्राम है, ज़्यादातर थर्मल पावर प्लांट में या पावर प्लांट में लाइन डायग्राम का ही यूज किया जाता है, और जब भी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए उन लाइन डायग्राम का आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि बिना लाइन डायग्राम के अगर आप क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं तो आपको उतने ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप लाइन डायग्राम का यूज करके अगर आप उसको समझाएंगे तो आपको नंबर बेस्ट से बेस्ट मिल सकता है। तो ये तो बात हो गई आपकी थर्मल पावर प्लांट की। हम आशा करते हैं कि जो आज का कंटेंट रहा होगा वो बेहतर रहा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। लेकिन अगर आपको आज की वीडियो से ज़्यादा समझ में ना आया हो तो हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो पहले की वीडियोस हैं, जो प्रीवियस की वीडियोस हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं या समझना चाहते हैं तो पहले की वीडियो को आप देखें, और वहाँ से हो सकता है आपको बेहतर समझ में आए, क्योंकि आज की जो क्लास थी वो टोटली रिवाइज क्लास थी, यानी कि जो पहले मैंने थर्मल पावर प्लांट के बारे में पढ़ाया था उसको आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज किया गया है, यानी फिर से एक बार दोहराया गया है। और मैं कोशिश किया हूँ कि जितने भी टॉपिक कवर हो पाए उनको मैं कवर किया हूँ आज की क्लास में, और उनको फिगर के माध्यम से समझाया। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब कल की क्लास में अब एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा, हम उस नए टॉपिक को आपको बताएंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो इस क्लास को देखने के लिए या समझने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।